नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। देश भर में आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से अधिक देश की विचारधारा है। कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने में देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रश्न नहीं है, आज विश्व के उन तमाम लोगों का प्रश्न है जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है। जब इसका गठन हुआ तो वो दल के रूप में नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस एक विचारधारा है और ये विचारधारा देश नहीं बल्कि दुनिया के हर जगह विद्यमान है। इसलिए मैं उत्तराखंड के कांग्रेस जनों का आह्वान करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जनों, आज आप और हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया तो देश की इस आज़ादी को जो है हम सजोए रखने का काम करें, ये मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ। सर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कोरोना हुआ और आज उन्हें जो है, आज जैसा आपने कहा कि दिल्ली एम्स में ले जाया गया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मुख्यमंत्री जो है वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और जो दायित्व उन पर है, जो जिम्मेदारी उनकी है, उस जिम्मेदारी का वो आगे भी निर्वहन करें। वो हमारे साथी हैं और निश्चित रूप से कष्टप्रद भी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज एम्स में भर्ती है। हम सब लोग दुआ करेंगे ईश्वर से कि वो जल्दी जो है वो स्वास्थ्य लाभ करें और हमारे बीच में फिर से आए। 36वां स्थापना दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाने का काम कर रहे हैं। जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का काम किया जिस अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया और आज़ाद हिंदुस्तान का जब निर्माण की बात आई तो निश्चित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी नींव रखने का काम किया। और उसके बाद चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र करूं, इंदिरा जी का जिक्र करूं, राजीव गांधी जी का जिक्र करूं या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जिक्र करूं, उन्होंने हिंदुस्तान को उन ताकतों के समकक्ष खड़ा करने का काम किया जो अपने आप को विश्व की ताकतें कहलाती हैं। तो ऐसा भारत निश्चित रूप से हमको और आपको मिला है और आज कांग्रेस के लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस देश की एकता अखंडता को जो है तार तार ना होने दें। आज जिस तरीके से देश के अंदर परिस्थितियां पैदा हो गई है, मैं समझता हूं कि ये शुभ संकेत नहीं है और कांग्रेस के साथियों का दायित्व बनता है और उन्होंने आज शपथ भी इस बात की ली है कि इस राष्ट्र के निर्माण में हम निश्चित रूप से अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम करेंगे, राष्ट्र को एक रखने का काम करेंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।